डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक। इस ग्राफ में हमने इससे पहले वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने स्टडी किया था। अगर आपने उसको क्लियर किया हो तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, हम ये एक्स एक्सिस लेते हैं जहाँ पर हम टेम्परेचर को लिखते हैं, ये वाई एक्सिस है जहाँ पर हम वेपर प्रेशर को लिखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ आ जाइए, ये देखिए टी नॉट एफ है। तो टी नॉट एफ का मतलब होता है कि ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। अब फिर आप इस पॉइंट पर आ जाइए, ये देखिए ये क्या है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। यहाँ पर आप एक चीज़ को देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है, ठीक। इनके फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको कि हम डेल टी एफ से शो करते हैं, ठीक है। और ये डेल और ये जो है टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। आपको पता है लार्जर टेम्परेचर पहले आता है, स्मॉलर बाद में आता है। यहाँ देखिए ये टी नॉट एफ, ये ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, इसको हमने पहले लिखा। और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि इस प्योर सॉल्वेंट से कम है, इसको हमने बाद में लिखा। इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल टी एफ कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ एक बात है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, इस पॉइंट से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो यहाँ पर पूरी तरह से वो प्योर सॉल्वेंट होता है, यानी लिक्विड सॉल्वेंट होता है। इस पॉइंट से अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो वो सॉलिड सॉल्वेंट होता है, मगर इस पॉइंट पर जानते हो आप कि यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है, यानी कि इस पॉइंट पर जो लिक्विड और सॉलिड है उनकी वेपर प्रेशर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड या सॉल्वेंट आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, ये देखिए वेपर प्रेशर को, आप प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या है, ज़्यादा है, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो कि क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कहा था कि चाहे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों में ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर यहाँ प्रॉब्लम ना तो आपको एलिवेशन में आती है और ना डिप्रेशन में आती है, सिर्फ जो चेंज होता है वो इतने में होता है, यहाँ यहाँ। चलो थोड़ा सा हम एलिवेशन के ग्राफ को देखते हैं। देखिए ये एलिवेशन ग्राफ आ गया। अब आप देखें यहाँ पर टी नॉट बी और यहाँ पर क्या है टी बी, तो यहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब देखना आप कि फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। ये इतनी चीज़ क्लियर, हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ अगर हम आगे चलें तो ये तो क्लियर था फर्स्ट पॉइंट, है ना, ये वाला, ये देखिए ये हमने ये वाला पॉइंट पूरा यहाँ तक वैसा का वैसे लिखा है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, आपको पता है स्टेटमेंट ये है कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक। और इनके फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा एफ कहते हैं और उसको हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट
कहते हैं और उसको डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये ऐसा का ऐसा ही हमने लिख लिया। अब रही बात वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर बिल्कुल पहले की तरह है। देखें यहां पर कैसे, जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का वो हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन सॉल्यूशन जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इनके वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टी एफ जो होता है वो लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए इतना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी लिख सकते हैं, हमने इतना डेल पी लिख लिया। अब जानते हैं आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ये इतना जानते हैं आप। फिर इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर पता है कि ऊपर को आप क्या लिखेंगे, डेल पी यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए, फिर आपको पता है पी नॉट ए कॉन्स्टेंट होता है उसको हटा देंगे आप, है ना, तो ऊपर हो जाएगा डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। फिर से क्लियर करो, सुनो पी नॉट ए माइनस पी ओ को आप क्या लिखेंगे, डेल पी, और ये हो जाएगा पी नॉट ए, पी नॉट ए कॉन्स्टेंट होता भगा दो इसको, तो डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, एक्स बी के। तो अब आप ये जो डेल पी है इसकी जगह पर एक्स बी को लिख लोगे तो ये हो गया, ठीक है। एक्स बी की जगह पर क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको आप लिख लेंगे। कैपिटल एन एन क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, स्मॉल एन से, स्मॉल एन को नेग्लिजिबल कर दो। तो अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा यहाँ पर डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू आपको पता है, स्मॉल एन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, कैपिटल एन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए रखोगे तो इतना आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाओगे तो ए मिलेगा, आपको पता है एम ए मोलिकुलर मास यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट, और ये भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं के एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वन अपॉन डब्ल्यू, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी को, तो अब आप यहाँ पर स्मॉल एम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ये के एफ है इसको हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक बार आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं मोलल क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी आप इसको कह सकते हो। आपको पता है यहाँ पर के एफ कौन है, कॉन्स्टेंट है, इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, यानी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो आपको किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बॉलिंग पॉइंट वाला केस उठा के देखें, ये देखिए डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट ए माइनस पी ए, और फ्रिजिंग वाला केस उठा के देखें डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन पी नॉट ए माइनस पी ए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको ना ऐसे ऐसे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपको अगर ये क्लियर है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो कैसे क्लियर होगा बस इतना से याद रखिए कैसे, देखिए मैं आपकी मदद करता हूँ, आप कंसंट्रेट करना सर एज वेल एज मैडम के, कंसंट्रेट करना इस पर और इस पर, ठीक है। देखो क्या कंसंट्रेट करेंगे, आप कंसंट्रेट ये करेंगे, सबकी बीवी फीमेल होती है, एक बार फिर से देखिए सबकी बीवी फीमेल होती है, किसी की मेल देखी है क्या आपने, फीमेल ही तो होती है, तो फिर तुम्हें क्या बोलो, सबकी बीवी क्या होती है, फीमेल, यानी कि बी की जगह पर बस आपको एफ रखना है, बस बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही चला आएगा। तो हुआ ना डियर क्लियर, हुआ ना थोड़ा इजी, यस। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा बॉलिंग में था वैसा फ्रीजिंग में, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया सबकी बीवी क्या होती है, फीमेल। अब देखिए द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये आप जानते हैं सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का कम होता है, इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल टी एफ, और डेल टी एफ को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ये क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये जो स्टेटमेंट इतना जो डेरिवेशन हमको ऑब्टेंड हुआ आपको पता है पीछे हमने यानी कि अभी हमने इसी को समझा था, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन ये आता है हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो भाई इसको भी क्लियर कर लेते हैं कैसे, देखो आप जानते हो यहाँ पर डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्मॉल एम होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा दो
तो वहाँ क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा, यानी कि ये देखिए ये डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, स्मॉल एम इक्वल टू आपको पता है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू वन, पुट कर दो क्या मिलेगा दिस। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एम टू, एम टू को आप उधर लिख लो, डेल टी एफ को नीचे लिख लो, तो अब आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कहने का मीनिंग ये है, अगर आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं, दोनों इजी हैं। अगर आपने एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ लिया है तो आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, सबकी बीवी फीमेल होती है। क्या सबकी बीवी फीमेल होती है? थैंक यू।